सभी भाइयों से बहनों से। आज पूरा देश राजीव जी की 76वीं जयंती मना रहा है। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी लेकर आए, महिलाओं को 50% आरक्षण चाहे पंचायत राज हो चाहे नगर पालिका क्षेत्र उन्हें दिया, और युवाओं को 18 साल के युवा को वोट का अधिकार दिया। कंप्यूटर क्रांति कर लेकर आए, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी जी को देश याद कर रहा है और हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए मार्ग और आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को मूल्यों को स्थापित करें। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी पुष्कर के कांग्रेस के अग्रणी संगठनों द्वारा उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। और आज इस मौके पर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इंदिरा रसोई का जो उद्घाटन किया है, उनका जो सपना था कि कोई भी गरीब मुकाने सोए, इसके तहत उन्होंने 8 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था की गई है, जो एक सराहनीय कदम है और राजीव गांधी के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। आज सवेरे सवेरे हमने जो मूक पशु है, गाय है, बंदर है, इनको हमने चारा और जो चने वगैरह खिलाए हैं, ब्रेड वगैरह डाली है, इनको ब्रेड वगैरह खिलाई है। बाद के अंदर हमने वृद्धाश्रम जाकर के फल फ्रूट बिस्किट वगैरह बांटे हैं। और अभी हमारा जो 5 बजे का कार्यक्रम था कि भाई राजीव जी को श्रद्धांजलि देनी है, इसके साथ साथ जो हमारे सम्माननीय परम आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की जो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप के अंदर जो उन्होंने आज 8 रुपये के अंदर जो इंदिरा रसोई का जो शुभारंभ किया है, इससे राजस्थान की जनता को या राजस्थान के जो गरीब जो तबके के जो लोग हैं, जो जिनको टाइम के ऊपर खाना नहीं मिलता या महंगा खाना मिलता, उसके लिए 8 रुपये के अंदर भरपेट खाने की जो व्यवस्था की गई है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, मैं समझता हूँ इस जो योजना के विस्तार से इस राजस्थान के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी नीचे के तबके के लोग हैं, उनको भरपेट 8 रुपये के अंदर खाना मिलना, ये उनकी खुश नसीबी होती और राजीव जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सम्माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन इस योजना को लॉन्च किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारे पुष्कर नगर के कांग्रेस आई के पार्षदों द्वारा, अग्रिम संगठनों द्वारा, सबकी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।